हे गाइस, वेलकम बैक टू राउंड टू फ्लिक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे हाल ही में रिलीज और हिंदी डब हुई 5 सबसे जबरदस्त वेब सीरीज को। इस लिस्ट के अंदर आपको एक्शन, एडवेंचर, मास्टरपीस, हिस्टोरिकल, वॉर्स वेब सीरीज देखने को मिलेगी और हर बार की तरह एक भी वेब सीरीज आपको जरा भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। सो बिना किसी बकचोदी के लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। यही तो वो पल है जिनके लिए हम जीते हैं। हमारे नंबर 5 की वेब सीरीज है केलियो। इस वेब सीरीज को हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई है केलियो नाम की एक स्पाई एजेंट की, जो कि अपने डिपार्टमेंट के लिए एक असासिन का काम करती है। इसको एक टास्क दिया जाता है जिसमें वो कामयाब भी हो जाती है, लेकिन उसी बीच इसके डिपार्टमेंट के लोग इसको धोखा दे देते हैं, जिसकी वजह से इसको 2 साल की जेल हो जाती है। और 2 साल बाद जब ये जेल से बाहर आती है, तब ये डिसाइड करती है अपने डिपार्टमेंट के लोगों से बदला लेगी और साथ ही साथ ये भी पता लगाई कि आखिर क्यों इसके डिपार्टमेंट के लोगों ने को धोखा दिया, तो किस तरह अपने डिपार्टमेंट के लोगों से बदला लेती है। ये सब कुछ आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। इस सीरीज में टोटल 8 एपिसोड्स है और हर एक एपिसोड की लेंथ 40 से 45 मिनट तक की है और ये एक बहुत ही क्लासिक रिवेंज थ्रिलर वेब सीरीज है, जो कि आपको शुरू से लेकर लास्ट तक जरा भी बोर फील होने नहीं देगी। और इस सीरीज के अंदर थोड़े बहुत अडल्ट न्यूड सीन्स भी है, जिस वजह से इस सीरीज को आप अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल नहीं देख सकते। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। सीरीज को रेटिंग में 7.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। दोस्तों, अगर आप वाइकिंग्स जैसी हिस्टोरिकल एक्शन एडवेंचर वेब सीरीज के फैन हो, तो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली हमारे नंबर 4 की बेस्ट एक्शन एडवेंचर वेब सीरीज बारबेरियंस। ये सीरीज आई थी साल 2020 में। ये एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा वेब सीरीज है। इस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है 9th century की, जब यूरोप के ज्यादातर हिस्से पर रोमन राज करते थे और उसी बीच एक रोमन वॉरियर बारबेरियन के साथ मिलकर अपनी ही रोमन आर्मी के खिलाफ एक बहुत ही बड़ी जंग छेड़ देता है। आखिर वो कौन सी वजह है जिस वजह से इसने अपने ही लोगों के खिलाफ जंग छेड़ दी और क्या ये इतनी पावरफुल रोमन आर्मी को हरा पाएगा या नहीं, ये सब कुछ आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। इस वेब सीरीज का अब तक एक ही सीजन आया है, जिसमें के टोटल 6 एपिसोड्स है और हर एक एपिसोड की लेंथ 45 से 50 मिनट तक की है और ये एक बहुत ही कमाल की हिस्टोरिकल वेब सीरीज है। वाइकिंग्स फैंस इस सीरीज को बिना झिझक अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये सीरीज आपको वाइकिंग्स जैसा ही फील देगी। सीरीज के अंदर काफी अडल्ट न्यूड सीन्स भी है, जिस वजह से इस सीरीज को आप अपनी फैमिली के साथ तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते। ये सीरीज अब हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। सीरीज को रेटिंग 7.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो बढ़ते इस लिस्ट की बेस्ट फैंटेसी वेब सीरीज की ओर और इस लिस्ट की बेस्ट ऐसी वेब सीरीज है दी सैंडमैन। इस सीरीज को 5 अगस्त में नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। ये एक हॉरर ड्रामा फैंटेसी वेब सीरीज है। इस सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई है सपनों के देवता सैंडमैन की, जो कि लोगों के सपनों पर राज करता है, उनको अपने कंट्रोल में रखता है, लेकिन कुछ जादूगर गलती से इसको 106 साल के लिए कैद कर लेते हैं। और जब ये 106 साल कैद में रहता है, उसी बीच इसके सपनों की दुनिया भी तहस नहस हो जाती है। और 106 साल बाद ये किस तरह जादूगर की कैद से आजाद होता है और आजाद होने के बाद ये क्या कुछ करता है, ये सब कुछ आप इस सीरीज के अंदर देखिए। इस वेब सीरीज में टोटल 10 एपिसोड्स है और ईच एपिसोड लेंथ 45 मिनट तक की है और ये बहुत ही कमाल की फैंटेसी वेब सीरीज है। सीरीज को देखने के बाद लिटरली आप इस सीरीज के फैन हो जाओगे। एक दो बोल्ड सीन्स होने की वजह से फैमिली के साथ बिल्कुल नहीं देख सकते। ये सीरीज भी हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। सीरीज को रेटिंग 7.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो बढ़ते अपने नंबर 2 की वेब सीरीज की ओर और हमारे नंबर 2 की वेब सीरीज है दी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, दी रिंग्स ऑफ पावर। इस
सीरीज को हाल ही में प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया है। ये एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा वेब सीरीज है। इस सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई है कई हजार साल पहले मिडिल अर्थ की, जहाँ पर इंसान एल्फ्स हॉबिट बोने एक साथ मिलकर सुकून से अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन हमारी वेब सीरीज की हीरोइन गैलेड्रियल, जो की एल्फ्स की राजकुमारी है, इसको पूरा यकीन है एविल डार्क लॉर्ड सुरून अभी भी जिंदा है और कहीं छुपकर इस खूबसूरत दुनिया को खत्म करने के लिए एक बहुत ही बड़ी प्लानिंग कर रहा है, जिसके बाद ये सुरून को ढूंढने के लिए एक बहुत ही खतरनाक एडवेंचर सफर पर निकल जाती है। और इस एडवेंचर सफर पर इसको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और क्या सुरून अभी भी जिंदा है या नहीं, ये सब कुछ आप इस सीरीज के अंदर देखिए। इस सीरीज के अब तक 2 ही एपिसोड्स को रिलीज किया गया है, जिनकी लेंथ 1 घंटे तक की है। और इस वेब सीरीज में टोटल 8 एपिसोड्स होने वाले है, जिनका इंतजार मुझे भी बहुत ही बेसब्री से है। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। सीरीज को रेटिंग 6.6 out of 10 IMDb पर। तो बढ़ते अपनी लास्ट और मास्टरपीस वेब सीरीज की ओर, और हमारी लास्ट और मास्टरपीस वेब सीरीज है हाउस ऑफ द ड्रैगन। इस सीरीज को हाल ही में HBO Max पर रिलीज किया गया है। ये एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा वेब सीरीज है। इस सीरीज में टोटल 10 एपिसोड्स होने वाले हैं और अब तक 3 ही एपिसोड्स को रिलीज किया गया है। और इस सीरीज के अंदर हमें गेम ऑफ थ्रोन्स के 170 साल पहले इवेंट्स को दिखाया गया है। इन केस अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज नहीं देखी है तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, और अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज देख रखी है तो इस सीरीज को देखने में आपका मजा डबल हो जाएगा। गेम ऑफ थ्रोन्स की ही तरह इस सीरीज के अंदर भी आपको वही सत्ता की जंग देखने को मिलती है। इस सीरीज इंग्लिश लैंग्वेज में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है, लेकिन इस सीरीज को आप अनऑफिशियल हिंदी डब में भी देख सकते हो। सीरीज को रेटिंग में 8.8 out of 10 IMDb पर। सो गाइज, आई होप आपको सभी वेब सीरीज बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी, और ऐसी इंटरेस्टिंग वेब सीरीज देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।